पति रुक्मिणी विवाही वाली हो चुकी है। राजा कहने लगे, रुक्मिणी हो प्यारी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं बेटी के बारे में, तुम चिंता ना करो, हम अभी दरबार में जा रहे हैं, बेटी के जीवन साथी के बारे में चर्चा करेंगे। महाराज रानी को समझाने के बाद तुरंत दरबार में आते हैं, सभा लगी है और मंत्री से कहा है महाराज भीष्मक ने कि मंत्री आज सारी सभा में ऐलान कर दो कि थोड़ी देर के लिए राजनीति की बातों को बंद रख दो। क्यों महाराज, आज तो आपकी सभा में कुछ ज्यादा ही उछल पुछल मची हुई है, आज किस बात की खुशी है जो आप सबको चले भी बांट रहे हैं, मुझे एक छत्ता भी नहीं दिया। बताइए पूछ भी देते आज। हाँ हाँ, भारतीय पर्व है मेरा, तो भारतीय पर्व है तो यूं तो पूछ लेते, हम तो भारतीय हम पाकिस्तानी तुम्हारे भैया की हम जाने और बे जाने, हम भारतीय हम पाकिस्तानी थोड़ी है। बताइए महाराज मंत्री सभा में ऐलान कर दो, थोड़ी देर के लिए राजनीतिक बातों को बंद रख। मंत्री थोड़ी देर के लिए कह दो कि राजनीतिक बातों को बंद रखें, क्योंकि मेरी बेटी रुक्मिणी है ना, वो भाई हो गई चुकी है। प्याला कह गई बच्चा, कल को दी खिलाई आज प्याला कह गई, क्या बात करता है मंत्री। नहीं ओए, सभा में ऐलान कर दो किसी के दिमाग में कोई अच्छा लड़का हो तो उस लड़के का नाम मुझे बताना। सभी भक्त शांति से बैठ जाए, जलेबी थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाए, थोड़ी देर से, अरे जलेबी बंद कर दी जाए 2 मिनट के लिए, 1 मिनट जीव ना पकी जा रही है, जा रही। सभी भक्त शांति पूर्वक हमारी बात पर ध्यान देंगे, जिन बंधों की शादी नहीं है उनकी आज शादी कराई जाएगी। क्या बकवास कर रहा है, नहीं कहता तू शादी, अरे मूर्ख, मैंने ये नहीं कहा शादी करा जाएगी, मैंने कहा किसी के दिमाग में अच्छा लड़का हो उस लड़के का नाम मुझे बता दे। अच्छा लड़का चाहिए आपको, तो फिर मतलब बताओ कैसा आपको लड़का चाहिए, तुम्हारे दिमाग में हो तो तुम बताओ, कितनी साल का चाहिए आपको लड़का, हो 20 साल का या 22 साल का, इतने से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 20-22 साल तो महाराज बोलो, तो मुँह हिसाब लगाया मतलब हिसाब। हाँ हाँ, कैसा देखो, ये 2 को पाड़ो याद है, 2 को याद है, बता सुना जा रहे हैं वो की याद है, 2 कंदो उतरना 4 जे महाराज सब हंसते हैं हमारी बात पे, मुँह को याद है 2 कंदो उतरना 4 दुत्ती 6 नहीं जुने 4 को याद है, 4 चारिया बार है, 4। अरे महाराज बोलो, तो देखो लाली रुक्मिणी के लिए जी 4-4 साल के 5 काम कर चलिए महाराज, दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। अरे मूर्ख मुझे सिर्फ 1 लड़का चाहिए या 20 साल का या 22 साल का, गलती हमारी ना है महाराज, जलेबी देख के मैं जीत दिक्कत जे है महाराज, तो आपको ये लड़का पसंद है, बिल्कुल नहीं, तो आपको कैसा लड़का चाहिए, लड़का देखने में जो सांवला हो, सांवला की लड़के के चेहरे पर छवि होनी चाहिए, रुक रही हो, सांवला लड़का चाहिए, हाँ आगे बोलो, छवि भी चाहिए, हाँ आगे बोलो, शिक्षित परिवार से हो, अब तो फिर है ही है महाराज, घर ठीक ठाक हो, बहुत सही है, कतई लॉलीपॉप है घर में, गाड़ी बहु है, बहु है, एक एक ने दूध दुए महाराज, औका है, अब कोई लड़का आया है जब कौन है, एक टंपकू है,
और आगे और अरे और उस लड़के का नाम बता, वो लड़का कौन है? लड़का इधर ही है, इधर ही बैठा है, इधर ही कहीं है। देखिए महाराज आपकी नजर में आ रहा है क्या? इधर ही किधर है? इधर 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 ही किधर ये बैठा है? नहीं इधर ही है। किधर गया महाराज? बोलो ये इधर ही था, इधर बैठा है। देखिए इधर बैठा है, नहीं ये इधर। किसी ने भी पूछ सकते हैं, आपकी समझ में नहीं आया? बद्री मूर्ख, अपने आप में बता रहे हैं तू? नहीं महाराज देखो बात ऐसी है, मैंने चेत थोड़ी कही कि तुम मेरे संग ब्याह कर दो। मैंने कही क्या हमारे जैसे लड़का चाहिए तुम्हें? बात जल्दी पलट लेता है तू। हाँ मैं तो छोटे बातें पलट लेता हूँ। श्रोताओं सुबह दोपहर से शाम होने को आई, कोई विश्वास नहीं हुआ। एक बोला दुर्योधन, दूसरा बोला दुर्योधन बहुत बड़ा घमंडी है। अंत में महाराज भीष्म का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम रुकमग्राज खड़ा हुआ, कहने लगा पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। बोले हाँ पिताजी, द्वारकाधीश कन्हैया बहन मेरी कैसी रहेगी? महाराज भीष्म बहुत खुश हुए, लाला तूने मेरे दिल की बात कह दी। इतनी बात कह पाई है तुमसे, महाराज भीष्म का बड़ा बेटा रुकम बोला, कहने लगा बोले बाप ग्वाल का महाराज का नाम सुनकर के इतने खुश हुए, मैं अपनी बहन की शादी इस कन्हैया के साथ करूंगा। बन बन में गाय चराई, लूट लूट के माखन खाया, लड़कों के साथ में नाचता रहा, चीर चुराता रहा, उसके साथ में मैं अपनी बहन की शादी कदाप नहीं। बीस मिनट के लिए चिल्लाए काय कर रहे हो? बाने बताए दो तो शादी थोड़ी ना आएगी। तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छा लड़का हो तो तुम बताए दो। रुको कहने लगा पिताजी, अच्छा परिवार है, अच्छा रोजगार है, अच्छा व्यवहार है, कोई और नहीं है पिताजी, वो अपना ही रिश्तेदार है। रिश्तेदार कौन है? कौन है? जवाब दिया सुनो, सुनो सुनीता